चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मजदूर के कहां दिखाया लगा 200 रुपए किलो टमाटर नु बता। हाँ, ये तो पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े हैं वो खावांगे। हमारे यहाँ जो जिसके घर में 1 किलो सब्जी जाती है उसके घर में 250 ग्राम सब्जी जा रही है। बहुत परेशान हो रहे लोग, हर चीज महंगी हो गई, बिजली का बिल और जी गैस सिलेंडर देख लीजिएगा, दवाई देख लीजिएगा। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार कुछ नहीं करी ना, सब गरीबी मार है हर जगह। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ये ग्राम पंचायत गंगेरू है, जहाँ पर आज हम लोगों से बातचीत करेंगे कि देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके क्या हाल है, और महंगाई के साथ साथ ऐसी चीज़ों पर महंगाई बढ़ रही है लगातार, जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे हरी सब्जियाँ वगैरह है उन पर भी महंगाई में देखा जाए तो काफ़ी उछाल आया है। यहाँ हमारे आसपास गंगेरू में सब्जियों की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का प्रभाव लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम बाबू जी आपका? बेटे सेवाराम है भाई। अच्छा जी सेवाराम जी, हम देख रहे हैं पिछले बहुत दिनों से सब्जियों पर एकदम से उछाल आया है दामों पर, आपको क्या लगता है कि किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है एक आम आदमी पर? सब्जी खानी छोड़ दी, नमक के लोग खा लें बस, और के दाम तो किसान लोग है मारा के, हमने की सब्जी खानी जरूरी। नहीं, सब्जी के रेट कहीं चले जाओ मारवे के भरा पड़ रहा, हमारा घर का दूध किलो घूट के चटनी किलो खा ले हम। लेकिन एक तरह से जो रोजमर्रा की जीवन में जो जरूरतें होती है, जैसे टमाटर है, टमाटर 200 रुपए किलो से ज्यादा पड़ रहा है, 500 जो टमाटर चीजें टाल कर दी लेने की लोगों ने के करे, इतनी महंगी चीज नहीं खाई जाती, मजदूर के कहां खाया लगा 200 रुपए किलो टमाटर नु बता। हाँ, ये तो पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े हैं वो खावांगे, इन्हें हमारे बस के रह गए कि बजाय खाने। गांव में क्या हाल है, मतलब सब तरह के लोग रहते हैं गांव में? गांव में सब तरह के लोग रहते हैं, लेकिन कोई सब्जी 25% लोगों ने छोड़ दी खाने। हाँ, बस जो लोग एक मजदूरी कर रहा 100-200 रुपए के, 200 रुपए के टमाटर खा लगा के, लेकिन बता सरकार कहाँ ध्यान दे, सरकार गरीब लोग कहाँ ध्यान दे, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों देख रही मारा किसने फिक्र है आगे कैसे होगा, इस तरह महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की, पब्लिक मर जाएगी और होना के था कि इस पर फर्क पड़ा, सरकार पे फर्क पड़ रहा, पब्लिक डूब के मर लग रही है, अगर भूखी मर जाएगी या किसान की सेवा या सारी फसल बर्बाद लग रही हो, सब्जी कहाँ रह जाएगी, सब्जी भी तो किसान की पैदा हो। अगर मारा टमाटर था पीछे किसी ने पूछा भी नहीं, 5 रुपए किलो तक भी नहीं पूछा जब किसान का था, अब किसान का नहीं है तो भाई बल्ले बल्ले है, पूंजीपति 200 बेच लो, 300 बेच लो, 400 बेच लो, उनकी मर्जी है। किसान तो रोक नहीं सकता, स्टोर में लगा सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उन्हें तो भाई लागत देनी, मजदूर की मजदूरी देनी, चाहे 2 रुपए किलो बेच के उसकी मजदूरी देगा किसान तो। बताओ क्या नाम आपका? मेरा अरशद अली है। अरशद भाई, किस तरह से क्या हालत है जमीन पर, सब्जियां महंगी हुई है? पूरी सब्जियां महंगी है, गरीब आदमी का जीना बहुत ही दुभर हो रहा है, किसान का भी दुभर हो रहा है, खाद दवाइयां सब महंगी हो रही है, मजदूरियां। आपका क्या नाम? डॉक्टर फारूक। आज के दौर में अगर एक गरीब इंसान की 20,000 रुपये सैलरी है तो घर का खर्चा नहीं उठा पाएगा, मैं लिख उठा पाएगा, ठीक है। लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि जब आप देख लीजिएगा यहाँ पे टमाटर भी 160 का रेट यहाँ अब हो गया, हरी मिर्च है 100 रुपये किलो, 100 रुपये धनिया हो रहा, क्या खाएगा मीडियम आदमी, तो गरीब आदमी तो मरीज आएगा, क्या खाएगा रोज का, इतनी आमदनी नहीं है। यानी कि सब्जी महंगी, हर चीज महंगी हो गई, बिजली का बिल और जी गैस सिलेंडर देख लीजिएगा, दवाई देख लीजिएगा, हर तो नहीं बताते कौन चीज़ महंगी नहीं है। लॉकडाउन का बना हुआ 3 साल से जो चरम पर जो रेट हैं, इतने बुरे हालात है कि आप और हम जो है मीडियम वर्ग के लोग हैं, आप अपना खर्च उठा लें, मैं भी उठा लूँगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जमीनी स्तर के जो लोग हैं, वेरी प्योर पीपल, उनका इतना बुरा हाल है कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हम जाकर उनसे नहीं मिले, इतने बुरे हालात हैं यहाँ के हर जगह के। लेकिन क्या है कि पेट तो भरना पड़ेगा बच्चों को, आपसे लेके, इनसे लेके, किसी से लेके, है नहीं, कोई उधार लेगा, कोई ब्याज पे लेगा, कोई कुछ करेगा, अपना पेट तो भरना है ही बच्चों का। तभी भाई आप देख रहे होंगे, खबरें तो सुनते ही होंगे, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, हरी सब्जी वजह से टमाटर 200 रुपए किलो आसपास बिक रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है आम आदमी की रसोई पर? फर्क ऐसा पड़ रहा है, स्थिति भी कमजोर है लोगों की यार, टमाटर आगे तो है नहीं रहा, तो यहाँ भी क्या करा, गरीब कर रहे हैं लोग अपना टाइम पास, तो घर में उस तरह से खाना पीना हो पा रहा है? नहीं, हो नहीं पा रहा भाई, जैसे पहले भाई हरी सब्जियों से खाना हो जाता था, बाकी चीज़ नहीं भाई, नहीं है बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील है जी। सुशील भाई, क्या लग रहा है महंगाई बढ़ती? महंगाई बढ़ी, देखो जी मैं 250 रुपये मुंजी लगा का इबा दिहाड़ी करके आया, यो सब्जी है 60 रुपये की, ये लिए अभी हाँ आधी किलो,
ये देखो क्या हम क्या इस महंगाई में क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, महंगाई सबसे ज्यादा है। तो ये परिवार में पूरा इसमें भी परिवार में पूरा नहीं पढ़ने का। कितने सदस्य हम? छह सदस्य हैं, चार मेरे बच्चे हैं और दो हम घर। तो क्या ये सही हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हम गरीब आदमी का क्या हाल है? गरीब आदमी तो मरना ही है बिल्कुल, क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएगा। दुख सुख भी है, हरज बीमारी भी है। तो किन की जिम्मेदारी है घर खाना पहुंचाना? ये सरकार की है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कुछ नहीं करी ना, सब गरीबी मार है हर जगह, सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन एक तरफ तो सरकार दावे करती है हम राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और एक तरफ इतनी महंगाई है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सरकार, कुछ सब दावे झूठे हैं सरकार के। सरकार जो है ना पब्लिक को मार रही। गरीब आदमी परेशान है, रसोई में फर्क है, बहुत ज्यादा परेशान है। सिलेंडर 1150 का हो रहा है, एक गरीब आदमी हम 250 रुपये मजदूरी के लाए करके, इसमें सब्जी भी है, सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे? अगर महंगाई इतनी बढ़ेगी, मजदूरी भी बढ़ी है पिछले सालों से? नहीं, कोई मजदूरी नहीं बढ़ रही। आज मजदूरी कर ली, 8 दिन बाद किसान पैसा दे जिसके मजदूरी करना चाहे, गए लगी मैं भी नहीं देते, वही चक्कर कटवावे। किसानों का ही नहीं आते, पेमेंट नहीं आ रहा जो किसानी का। किसान ही परेशान है तो मजदूर भी परेशान, मजदूरी कहाँ से देंगे? ये है ना भाई साहब। लेकिन जब किसान फसल बेचते हैं तो बड़ी सस्ती में खरीदी जाती है, लेकिन अब जो दुकानों पे बिक रहा है, टमाटर भी जैसे 200 रुपए किलो है, प्याज भी काफी महंगा है, हरी मिर्च भी काफी महंगी है। किसानों को सस्ती बिके, ये माने किसानों को सस्ती बिके, और जो बाजार में जाओ, जो बाजार में उनसे रेट 1350 का ढाई का कट्टा है, कैसे डाल लेंगे बताइए? ढाई महंगे आगे क्या रास्ता नजर आ रहा है, इस तरह महंगाई रही आगे? अगर ये सरकार ऐसी चलते रही तो सरकार पब्लिक तो खत्म है बिल्कुल। क्या नाम आपका? रेसो। अच्छा, सब्जी खरीद रहे हैं, महंगी हो रही है, क्या लग रहा है? महंगी लग रही है। घर का काम चल पा रहा है? बस कम चल। अच्छा, कैसे चला रहे हैं? खेतान का चला रहे, मर्जी गई जी। अच्छा, टमाटर जैसे महंगा हुआ काफी, 200 रुपए के आसपास है, 160 के आसपास है, तो पहले की तरह घर में खाना बन पा रहा है? आप तो खाना बना नहीं बनना जी। अच्छा, दिक्कतें हैं तो क्या लग रहा, क्या करना चाहिए? मंदा होना चाहिए, जो सभी गरीब शरीफ सभी खा ले। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? अरुण। मेरा नाम फैजान है जी। फैजान भाई, आप सब्जी की दुकान लगा रहे हो जी, सब्जियां महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है, किस तरह से आपकी बिक्री हो रही है आज को? देखो जो है, महंगाई से सभी परेशान है, और जो है बहुत ही मुश्किल बननी है, लाने में भी और खाने में भी लोग परेशान हो रहे हैं। लोग खरीद पा रहे हैं पहले की तरह? नहीं, पहले की तरह नहीं खरीद पा रहे हैं, जो जिसके घर में 1 किलो सब्जी जाती है उसके घर में 250 ग्राम सब्जी जा रही है, बहुत परेशान हो रहे लोग। आप जैसे मंडी से ले आते थे तो आपको भी दिक्कत है? नहीं, हमें भी दिक्कत हो, परेशानी हो रही है, जो है पहले फुल बहुत सामान आता था, बहुत कम सामान आ रहा है। देखो तुम्हें, देखो दुकान बहुत कम हो रही है, इसीलिए बहुत महंगाई हो रही है, मंदा होना चाहिए भाई। तो पहले की तरह सब्जियां बिक पा रही है आपकी? जैसे जब गरीब आदमी कहाँ से खाओगे, कहाँ से लाओगे बेचारा, जो है घाट बात करनी पड़े। देख टमाटर कितने जोर के हैं, ये देने पड़े हैं मंदे में, गरीब आदमी के लिए है, अमीरों के लिए है भाई। हाँ, तो आप मंडी से खरीदते हैं, वहाँ भी समस्या हो रही हो? वहाँ तो बुरी, वहाँ समस्या ये है कि पहले पैसा दो बाद में मान लो। तो पहले की तरह सब्जियाँ खरीद पा रहे हैं इकट्ठी जैसे? नहीं नहीं, पहले तो उधार भी मिलता था, अब नहीं मिलता, अब तो नकद ले। अगर समय पर नहीं बिकी और ख़राब हो गई तो उसको नुकसान? तो नुकसान हम भरेंगे, प्रधानमंत्री थोड़े भरेगा बेचारा, तो नुकसान हमें भरना पड़ेगा, जितना होगा हमारा होगा। 3500 रुपये का टमाटर है, उसमें क्या नाम ले गए, 10 किलो सटता है, 10 किलो बिकता है। तो आप मंडी से खरीद पा रहे हैं जैसे पहले? भाई ज़्यादा नहीं, थोड़ा करना तो पड़ेगा भाई, बंद थोड़ी करेंगे दुकान। अगर नहीं बिकती सब्जी फिर भाई? ऐसा तो है नहीं कि लोग वहाँ खानी बंद कर दें, खा रहे बहुत, ये हो रहा और कुछ नहीं है, ये तो भाई यहाँ बैम है लोगों का, नहीं उससे भी ज़्यादा खा रहे। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में थे, और जिला शामली की ग्राम पंचायत गंगेरू है, जहाँ पर हमने गांव में लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि जो महंगाई है, महंगाई जो बढ़ रही है उसको लेकर लोगों का क्या क्या कहना है। लोगों का मानना है कि महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं परिवार को चलाने में दिक्कतें हो रही है। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, चैनल चित्रा।